हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम आए हैं यहाँ बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जो कि कोसी क्षेत्र मधेपुरा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम काम करते हैं। सोचे आए हैं तो कुछ ब्लॉग्स बना लेते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंदर कैसे दिखता है। और यहाँ पे हम आए हैं, अभी यहाँ से पेट्रोलिंग में चलेंगे मुरलीगंज, जो कि यहाँ से 22-23 किलोमीटर के अंदर आता है पेट्रोलिंग में। वहाँ से फिर जाना है कहीं, तो वो अभी लोकेशन मुझे नहीं मिला है, वहाँ जाने के बाद प्राप्त होगा। पहले हम यहाँ से जा रहे हैं, सोचे कुछ ब्लॉग्स बना लेते हैं और आपको हम जिस गाड़ी से जाते हैं उस गाड़ी को भी दिखा देते हैं, जो कि यही साहब बैठते हैं। देखिए, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी बड़ा ट्रांसमिशन कंपनी है, जो कि कोसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये है जो कि अभी आपको दिखाते कंट्रोल रूम के अंदर। अभी तो कंट्रोल रूम के अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है। जब दूसरे ब्लॉक में हम आप सबको दिखाएंगे उसके अंदर जा करके। अभी फिलहाल बाहर से जितना दिखता है हम आप सबको दिखाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए, आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऐसे नहीं हो रहा है, फिर भी आपको पीछे। और ये आपको ये जो रूम सब दिख रहा है, ये रूम एक्चुअली इसमें रहते हैं यही साहब सब, एसी सर, ऑफिस। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वाला ऑफिस है, और जिसमें एसी सर बैठ करके सारा कंट्रोलिंग का काम करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, जब लोकेशन पे पहुंचेंगे तब आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया था, जो कि अभी थोड़ा देर में चलेंगे। काहे कि यही सर अभी तक आए नहीं हैं, हम थोड़ा जल्दी ही आ गए हैं। आना था 10 बजे लेकिन 10 बजे से पहले ही हम आ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ पर ये पावर ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम काम करते हैं। आ जाए ड्यूटी पे, सोचे कुछ ब्लॉग बना लेते हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी है मेरा,